हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने चैनल पर काफी पहले भी वास्तु टिप्सों को लेकर काफी सारी वीडियो शेयर की थी और कुछ छोटे मोटे मैंने घरेलू नुस्खे बताए थे, टोने टोटके के उपाय बताए थे कि किस प्रकार से आप ये छोटे छोटे उपाय करके भी अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी कठिनाइयों को, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में जो बाधाएं होती हैं उनको दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ आपसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी ताकि आप स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं मानता हूं साइड बाय साइड काम करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है और यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो फिर आप साइड बाय साइड काफी बेहतरीन कम इन्वेस्टमेंट के साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है, आपको पता है कि मेरे को किस प्रकार से चार्ट को पढ़ना है। जब चार्ट का हमें पता है, स्टडी में पता है, तो हम उसमें बेहतर काम कर सकते हैं। तो वापस फिर मैं अपने टोने टोटके और छोटे मोटे वास्तु दोषों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमें घर में किन तस्वीरों और फोटो को लगाने से बचना चाहिए। पहला दोस्तों, हमें उन फोटो को लगाने से बचना चाहिए जहां पर मांसाहारी या फिर ऐसे हो जो दूसरे का मांस खाते हो, जैसे शेर है, लोमड़ी है, उल्लू है, इनका कौवा है, बाज है, तो हमें इन चित्रों से बचना चाहिए जहां पर ये नरभक्षी टाइप के, सॉरी नरभक्षी नहीं, जैसे जो उन दूसरों का भक्षण करते हो उनका चित्रण किया गया, उनका फोटो हो, तो हमें उनसे बचना चाहिए। दूसरा दोस्तों, हमें उन फोटो से बचना चाहिए, उन प्रकार की तस्वीरों से हमें बचना चाहिए जिन पर लड़ाइयों का प्रदर्शन किया गया हो, या किसी हाथी और जंगली जानवरों की लड़ाइयों का है, या फिर किसी युद्धों का है, या पुराने जैसे महाभारत का युद्ध है, या फिर रामायण का युद्ध है, या दूसरे और जो पानीपत वगैरह के युद्ध हैं, इस प्रकार के जो युद्ध दिखाए जाते हैं जहां पर एक एग्रेसिवनेस शो की जाती है, तो उस प्रकार के चित्रण से हमें बचना चाहिए। उससे घर में नेगेटिविटी आती है और इससे हमारे स्वभाव में एक एग्रेसिवनेस आती है, तो उसे बचने के लिए आप इस प्रकार के फोटो का प्रयोग ना करें। तीसरा दोस्तों, रोते मनुष्य हैं या उदास बैठे हुए परिवार के सदस्य हैं, उनसे, राक्षसों से, भूत प्रेतों के जो फोटो वगैरह होते हैं उनसे, या कोई ऐसी चिंता वाली तस्वीरें होती हैं, फोटो होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि जितना भी उदासीनता के लक्षण होते हैं वो इन्हीं तस्वीरों से उभर कर आते हैं। तो अपने जो परिवार का है, जो अपने घर का माहौल है, उसे खुशनुमा बनाने के लिए इस प्रकार से जो फोटो होते हैं, जो चित्रण होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। और अगर हम इन चीजों से बचते हैं तो हम शायद बेहतर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं और आने वाले छोटे मोटे जो समस्याएं हैं उनको हम दूर भगा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अपने घर में इन फोटो से बचने के लिए आप ऐसे छोटे छोटे कार्य अवश्य करें और हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे लोग भी आप के तरह ही हमारी वीडियो को देख के अपने घर में जो इस प्रकार के उदासीन फोटो रखे होंगे, या जो लड़ाई वगैरह के फोटो या चित्र रखे होंगे, या जिनको दूसरों के नरभक्षी नहीं, जो दूसरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता है, लोमड़ी है, गिद्ध है, इस प्रकार के फोटो का होंगे, उनसे अपने घर से निकाल सकें। और आप हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोग इसका फायदा उठा सकें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू एंड मी।